बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ खैसर रहमान और आप देख रहे हो साबिर फूड सीक्रेट्स। आज मैं आप दोस्तों के लिए लेकर आया हूँ मखंडी हलवा। हलवा जो है वो आप लोगों ने बहुत किस्में खाए होंगे, देखे होंगे, लेकिन आज मैं आप दोस्तों के साथ ये बनो जो हमारे के पी के में इलाका है बनो, उसमें ये डिश जो है ये हलवा बहुत मशहूर है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हलवा है। इनको आप लोग घर में किस तरह तैयार करोगे, शादियों में जो है उसको ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन आज आप दोस्तों के साथ में थोड़ा सा बना कर दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं इनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर हमने एक कप सूजी लिया है बर के, आप लोगों ने एक कप बर की सूजी लेनी है और एक कप जो है बर के वो चीनी और ये चार पाँच अदद जो है सब्ज इलायची और एक कप जो है घी। आप लोगों ने सारे क्वांटिटी में एक ही क्वांटिटी में लेना है। तो एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, उसमें हम जो है ये सूजी डाल देंगे और उसको जो है तीन गुना हम इसमें दूध शामिल कर देंगे। जितना आप लोगों ने सूजी, जिस क्वांटिटी में आप लोगों ने सूजी लिया है उसी में आप लोगों ने इसमें तीन गुना जो है वो पानी या दूध डाल दें, इसको हम मिक्स कर देंगे और उसको एक साइड पे रख देंगे। तो एक बड़ा सा बाल हमें चाहिए, उसमें हम घी डाल देंगे और उसको गरम कर देंगे ताकि घी जो है वो गरम हो जाए। तो घी जो है वो हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसमें चीनी जो है ये डाल देंगे और उसको अच्छी तरह सुरख कर देंगे पाँच मिनट के लिए। तो चीनी जो है वो अच्छी तरह सुरख हो चुका है, ये इसी तरह आप लोगों ने इसको सुरख करना है। जितना आप लोग चीनी सुरख करोगे उतना ही हलवा जो है वो टेस्टी आएगा। जब सूजी सुरख हो जाए तो जो चीनी सुरख हो जाए सॉरी, उसमें आप लोगों ने सूजी डालना है, थोड़ा थोड़ा डाल ले और आग को जो है उसको मीडियम रखना है या लो आग पे आप लोगों ने इसको डालना है। ख्याल करना है जब ये डाल दोगे तो आग को जो है उसको बंद कर ले, बस थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने इसको डालना है, उसको मिक्स कर देंगे। इतना ही हमने इसको पकाना है। पहले जो है ये घी जो हमने इसमें डाल दिया ये इसको पहले ख़त्म कर देगा, ये घी जो आप लोगों को नज़र आ रहा हो ये पहले इसको ख़त्म कर दें। तो ये घी जो है इसने अपना ख़त्म कर दिया। तो इसी टाइम पे हम इसमें इलायची जो हमने लिया था उसको हमने पाउडर बना लिया, वो हम इसमें डाल देंगे। इसको हमने उतना ही पकाना है ताकि घी जो है ये दोबारा ये छोड़ ले, पहले ये घी जो है इसमें ख़त्म हो जाता है फिर दोबारा ये छोड़ता है। तो माशाल्लाह इसको हमने 10 मिनट लो फ्लेम पे हमने इसको पका लिया और इसने अपना घी जो है वो छोड़ दिया है, उतना ही अपना आप लोगों ने इसको उतना ही पका लेना है। जब भी घी जो आपने डाल दिया वो जब छोड़ ले बस आप लोग का जो सूजी है वो तैयार। तो ख्याल करना है कि आप लोगों ने इसको मीडियम फ्लेम पे आप लोगों ने इसको पकाना है। जितना घी हमने डाल दिया वो सारा इसने छोड़ दिया, ये आप लोग को नज़र आ रहा हो तो साइडों को जो है उसने अपना घी छोड़ दिया है और आग को जो है अब हमने बंद करना है और उसको हमने एक प्लेट में निकाल लेना है। इसको कहते हैं मखंडी हलवा, बहुत टेस्टफुल ये बनता है। तो एक प्लेट में हम इसको अभी निकाल देंगे। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हलवा जो है वो तैयार हो चुका है, ये बहुत ज़बरदस्त टेस्टफुल मज़ेदार। अगर ये छोटी सी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जो है वो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर कर दे और खैसर रहमान को इजाज़त दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलती है एक नई रेसिपी पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।